I'm joking. Stop! 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 I have to break! Stop! Stop! दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल देखकर इस पर क्लिक किया है, इसका मतलब तो यही है कि आपको चाहिए आने वाले कुछ मिनटों का एक पावर पैक एंटरटेनमेंट। और ये बात भी तय है कि ये वीडियो एंटरटेनमेंट के मामले में आपको जरा सा भी निराश नहीं करने वाला, क्योंकि इस वीडियो में एनिमल्स के वीडियोस ही ऐसे है कि जिन्हें देखकर आपके लिए ऐसी रोक पाना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए आप इस वीडियो को देखना बिल्कुल अंत तक। तो चलिए अब हम बिना वक्त गवाए स्टार्ट कर देते हैं एनिमल्स की इस एक और अमेजिंग वीडियो को। दोस्तों, बर्थडे के दिन अगर आप अपने दोस्त के साथ केक वाला मजाक करोगे तो ठीक है, लेकिन अगर आपने यही मजाक गलती से भी अपने डॉग पर ट्राई करके उसका केक बिगाने की गुस्ताखी कर दी तो दोस्तों सच में वो अपना मजाक बनने नहीं देगा बल्कि वो तो आपको ही एक मजाक बना देगा कुछ इस तरह। नई नवेली दुल्हन की ही तरह अभी नई नई आई इस बिल्ली ने जब अपनी ओनर के इस डेंजरस फार्ट को अपनी लाइफ में पहली बार सुना, जो कि आज तक उसने नहीं सुना था, तो देखिए उसे पहली बार सुनने पर उस बेचारी कैट की क्या हालत हुई। दोस्तों, ये जो बंदर आप देख रहे हो ना, कि जिसने चैंपियन बेल्ट पहनी हुई है और जो अपनी जीत का जश्न मना रहा है, उसने अभी अभी यहाँ अपने अपोनेंट को एक टफ फाइट देके हासिल की है ये चैंपियनशिप। लेकिन यहाँ आप अभी उस चैंपियन पर नहीं बल्कि नजर घुमाओ उसके इस अपोनेंट पर, कि जिसकी हालत इतने हार्ड मैच के बाद पहले से ही बिगड़ी हुई थी और बाद में बेचारे के साथ ये भी हो गया। सुबह से शाम तक काम काम काम, खाना हराम। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि ये छोटा सा बच्चा अपनी माँ की पूंछ के साथ खेल रहा है और बाद में उसे काटता भी है। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये वाला बच्चा। लेकिन जब डांटने की बारी आई तो मोम ने किसे डांटा, अब जरा वो देखो। मुझे क्यों तोड़ा? दोस्तों, अगर आपके बच्चे हैं और अगर नहीं भी तो भी आप ये बात तो जानते ही होंगे कि इन छोटे छोटे बच्चों को संभालना और खास करके उनके साथ खेलना पेरेंट्स के लिए कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब बस दोस्तों, इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए एक पेरेंट ने अपना थोड़ा सा माइंड चलाया और बच्चों को लाकर दे दिए ये दो डॉग्स, जिससे बच्चा भी खुश है और वो दो पेरेंट्स भी, सिवाय इन दो डॉग्स के। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है कि जीवन में जैसा आप करोगे वैसा ही आप पाओगे, और इस बात को सच साबित करती है ये बंदर की वीडियो, कि जो यहाँ आया तो था इस स्कूटी के पेट्रोल को चुराने, पर भाई साहब के साथ या बंदर साहब के साथ किस्मत ने खुद इस तरह से खेल खेल दिया। शादी के 5-6 साल बाद तो पति पत्नी की क्या हालत होती है वो तो आप सभी जानते होंगे। लेकिन क्या आप ये बात जानते हो, अगर वो पति पत्नी इंसान नहीं बल्कि डॉग हो और उनकी शादी के 5-6 साल हुए हो तो वो कैसे एक दूसरे से लड़ेंगे? नहीं तो वो तो आप इन दो हस्बैंड वाइफ की इस तीखी सी नोकझोंक में ही जान लो। दोस्तों, स्क्रीन पर आप ये जो वीडियो देख रहे हो ना, इसमें इंजन आपको अपने टॉयलेट में एक बड़ा सा चूहा घुसते हुए दिखा था, तो उस चूहे को अपनी नानी याद दिला देने के लिए ये जनाब टॉयलेट में लेकर आ गए अपनी बिल्ली को और सोचने लगे कि अभी कुछ ही पलों में बिल्ली उस चूहे की वाट लगा देगी। लेकिन दोस्तों, वो ये बात तो भूल ही जाते हैं कि उनकी वो बिल्ली थी एक सच्ची वाली वेजिटेरियन, जिसे चूहे की वाट लगाना तो छोड़ो, यहाँ तो उस बिल्ली की वाट लग गई और साथ में उन जनाब की भी।
ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा रही है। दोस्तों ये जो बच्चा आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो ना, ये आज यहाँ पर लोगों को और खास करके हमारी सरकार को ये बताना चाहता है कि उसके वहाँ की ये जो सड़कें हैं ना, उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। तो ये सरकार से ये विनती कर रहा है कि सरकार इन सड़कों को चलने लायक बना दे कि जिससे वहाँ घूमने वाले कुत्ते और बिल्ली बेचारे ठीक से चल सके। जी हाँ दोस्तों, ये सब वो कह रहा था उन जानवरों की आवाज बनकर, पर इसे अपनी आवाज बनता देख जानवरों का क्या कहना था वो तो आप अब देखो। सरकार को कोई कोई बोलना कि हमारी रोड कोई बना है, या कुत्ते बिल्ली सब आते हैं, गाय इन सबके पेट में मोच आ जाती है। देखो फिर ये हमारे कुत्ते भी है। दोस्तों इस वीडियो में एक काफी हटके चीज हुई है, क्योंकि पहले तो हम जैसा कि देख सकते हैं कि वीडियो बना रहा ये शख्स सामने खड़े उस साथी को अपनी ओर बुला रहा है, लेकिन दोस्तों जब इसके बाद उसके इस बुलावे का आंसर देते हुए वो हाथी उसकी ओर आया, तो अपने दोस्त को ये कहने वाला इंसान कि भाई मैं इन हाथियों से बिल्कुल भी नहीं डरता, उसकी ये हालत हो गई। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और अगर आप ऐसी ही थोड़ी और वीडियोस देखना चाहते हो तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इन दो वीडियोस में से एक वीडियो देखना मत भूलना।